राम ही को धन, राम ही को धन, राम ही की भुताई, राम ही मारत, राम ही जीवावत, राम ही भजन के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर चेतावनी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सुनिएगा। अरे भजन बिना हरि के, भजन बिना, भजन अरे तेरी बीती जाती उमरिया हरि के भजन होता है। और अगर प्राणी मात्र में भगवान का नाम नहीं है तो किस प्रकार से उसका जीवन व्यर्थ में जा रहा है, सुनने वाली बात। हाथी दंत बिन, हाथी दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, हाथी दंत बिन, पक्षी पंख बिन, नारी पुरुष बिना, जैसे तरुवरी, अरे जैसे पुत्र पिता मिल हीरा, जैसे पुत्र पिता मिल हीरा, वैसे ही सारी हरी भजन सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखा गया है और बताया है उन्होंने। कुआ नीर बिन, धैन क्षीर बिन, मंदिर दीप बिन, जैसे कैसे कुआ में, अगर कुआ में पानी ना हो तो वो कुआ शोभायमान नहीं होता है। और अरे कुआ नीर बिन, धैन क्षीर बिन, गाय में अगर दूध ना हो तो वो गाय शोभायमान नहीं होती है। और कुआ नीर बिन, धैन क्षीर बिन, मंदिर दीप बिन, मंदिर में अगर दीपक ना हो तो वो मंदिर अधूरा लगता है। अरे कुआ नीर बिन, धैन क्षीर बिन, मंदिर दीप बिन, अरे जैसे तरुवर फल बिन हीरा, किसी भी वृक्ष में अगर फल न लगा हो तो वो वृक्ष शोभायमान नहीं होता है। इसी प्रकार से जैसे तरुवर फल बिन हीरा,
जैसे शरीर में नैन ना हो तो शरीर बेकार है, और रैन रात में अगर चंद्रमा की चांदनी में ना हो तो वो रात अधूरी लगती है। और जैसे पंडित वेद विहीना, पंडित विद्वान वेद का ज्ञान ना हो तो पंडित बेकार है। और जैसे पंडित वेद विहीना वैसे ही प्राणी हरि भजन। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये शरीर के पांच विकार जो त्याग देता है वही संत हो जाता है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो ये पांच विकार शरीर के छोड़ दे वही संत प्रवृत्ति को प्राप्त होता है। काम क्रोध मद लोभ मोह Thank you.